पंजाब के पटियाला में एक इलाके में कांग्रेस के उम्मीदवार और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। पहले किए गए चुनावी वादों के पूरे नहीं होने से खपा लोगों ने उन्हें वहां प्रचार करने से रोक दिया, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया और खपा लोगों ने पुलिस और कांग्रेस उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर के समर्थकों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस बीच कुछ लोग हाथ में डंडे लिए हमला करने की फिराक में नजर आए, जिन्हें पुलिस ने काबू में किया। इस बीच पुलिस ने कुछ लोगों की पिटाई भी कर दी। बताया गया कि इससे पहले ही पुलिस ने परनीत कौर को वहां से सुरक्षित वापस भेज दिया था। दावा किया गया कि हंगामे में कई लोग जख्मी हो गए। हंगामे के हालात तब बने जब कांग्रेस उम्मीदवार परनीत कौर के विरोध में लोग काले झंडे लेकर खड़े हो गए। इस बीच लोगों ने काले झंडे लेकर रैली निकाली और उनके विरोध में नारेबाजी करने लगे। बताया गया कि लोग राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के विधानसभा चुनाव के समय किए गए वादे पूरे नहीं होने से खफा थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को अपने इलाके में चुनाव प्रचार नहीं करने दिया। भोपाल से कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह अपने प्रचार के दौरान एक मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गौ सेवा की। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा को टक्कर देने के लिए दिग्विजय सिंह इन दिनों उन्हीं के अंदाज में प्रचार में जुटे हैं। और इसी कड़ी में दिग्विजय सिंह ने मंदिर में पूजा करने के बाद वहां एक गाय की भी पूजा की। दिग्विजय ने सबसे पहले गाय को माला पहनाई और फिर उसे तिलक लगाया, जिसके बाद उन्होंने गाय को चारा खिलाया और फिर उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने मंदिर में अपने समर्थकों के साथ पूजा की। इस दौरान उन्होंने भगवा रंग की चुनरी ओढ़ रखी थी। दिग्विजय सिंह पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करते नजर आए।